कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने दे दिया है बच्चों को, और बच्चों को दूध दे दिया है, साथ में रस दे दिए, और मैंने भी रस खाए हैं, हस्बैंड जी को भी दे दिए थे। तो और कुछ मैंने नहीं बनाया मॉर्निंग में, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ भी मन नहीं कर रहा था बनाने का और ना ही खाने का। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ही। तो बस बच्चे उठे हैं थोड़ी सी लेट, तो हम भी मतलब आज लेट ही हो गए हैं। तो पीहू की पूरी रात कल तबीयत ख़राब रही है फ्रेंड, तो पूरी रात मैं सो नहीं पाई और ना ही मेरे हस्बैंड, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा फीवर हो गया था बहुत ही तेज़। तो पूरी रात ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रख के काटी हैं फ्रेंड, और पूरी बॉडी इतनी तप गई थी पूरी तरह से, और दवाई वगैरह भी दे दी थी मैंने उसको। तो मतलब पता नहीं क्यों उस दवाई से आराम तो पड़ जाता है, पर कल उसको बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए बस पूरी रात मतलब सोई नहीं है। तो मॉर्निंग में सुबह थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ, तो यहाँ बस देखिए मॉर्निंग का काम वगैरह करने के लिए मैं आ गई हूँ। और पीहू को दवाई दिलाने भी लेके जाना है, पर अभी ना मतलब कि क्लिनिक वगैरह ओपन नहीं हुआ था, तो इसलिए बस मैं अपने काम में लग गई हूँ। मैंने सोचा चलो इतने अपना काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी क्लिनिक ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ बस देखिए मॉर्निंग का मेरा बेडरूम वगैरह क्लीन कर दिया, बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया, और गर्मी वगैरह बहुत हो रही थी, तो बस यहाँ पे मैंने अपने बालों को ओपन करके जूड़ा वगैरह बना लिया है, क्योंकि चोटी में भी ना गर्मी लगती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपने बालों का जूड़ा बना के फिर मैं उसके बाद देखिए पीहू को यहाँ पे लिटा दूँगी, क्योंकि पीहू की बहुत हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही फीवर मतलब इतना हो रहा था। तो अभी तो मतलब रात में फिर ठीक हो गया था, मैंने इसको दोबारा से दवाई दी थी तो ठीक हो गया था, और फिर दोबारा से चढ़ने लगा है। तो हस्बैंड देखिए मेरे ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहे हैं, उसके पास बैठे हुए हैं। तो यहाँ बस मेरी झाड़ू वगैरह लग गई है, और उसके बाद बस थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे वही मैं वॉश कर लूँगी, तो दो चार ही बर्तन थे। फिर उसके बाद बस किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी मैं, गैस वगैरह साफ कर लूँगी। उसके बाद फ्रेंड बस पोछा वगैरह ही रह गया है मेरा, तो बस पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो मैं सोची चल इतने जब तक क्लिनिक नहीं ओपन हो रहा तो इतने ही मैंने अपना काम कर लिया, क्योंकि बस ये हो रहा था जल्दी से क्लिनिक ओपन हो जाए और मैं अपने काम पे मतलब डॉक्टर के पास जाऊँ दवाई लेने। तो क्लिनिक 10 बजे तक ओपन होता है, तो मैं 10 बजे में तो बहुत टाइम होता, तो 10 बजे तक तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो हस्बैंड जी कहने लगे कि मैं पट्टियाँ रख दूँगा ठंडे पानी की, आप इतने अपना काम कर लो, क्योंकि फिर बाहर से आओगे गर्मी से तो फिर काम करने का ही मन नहीं करता है। तो यहाँ बस देखिए मेरा पोछा वगैरह भी लग जाएगा, और मैं ना फ्रेंड गेहूँ सुखाना भूल गई थी मैंने, मतलब जिस दिन धोए थे उस दिन तो सुखा दिए थे, और मैंने सोचा नेक्स्ट डे भी मतलब सुखा दूँगी एक बार गेहूँ। वैसे तो धूप इतनी ज़्यादा तेज है कि दिन में गेहूँ इतने ज़्यादा सूख गए थे, फिर भी मैंने एक दिन और सुखा दिए थे। और उसके बाद बस फ्रेंड मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि नहाने के बाद बस सीधा मुझे जाना है क्लिनिक दवाई लेने के लिए पीहू की। यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं अभी आई हूँ पीहू की दवाई लेकर के, और हमारे घर से मतलब 2-3 मिनट लगे बस जाने में, और मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमारे घर के पास में ही अब हॉस्पिटल ओपन हो गया है। तो मैंने वीडियो शूट करी थी पर सर ने मना कर दिया था कि अभी आप यूट्यूब पे मत डालना, तो मैंने कहा ठीक है, कह रहे जब हमारा हॉस्पिटल और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो तब मैं आपको खुद बोलूँगा डालने के लिए वीडियो। तो इसलिए फ्रेंड मैंने वीडियो डिलीट कर दूँगी, मैं वीडियो नहीं डालूँगी। तो यहाँ बस देखिए माँ पीहू को ये दिया दवाई, बुखार वगैरह हो रहा है उसको और पेट में भी पेन है, तो चलिए अभी उसको दवाई वगैरह दे देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे घर के पास में ही हॉस्पिटल ओपन हो गया, पहले फ्रेंड हमें इतनी दूर जाना पड़ता था, और मतलब गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से मतलब थैंक गॉड के पास में ही ओपन हो गया। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। यहाँ बस देखिए मेरी गर्मा गर्म रोटी भी हो गई है तैयार, और बच्चों को मैंने दे दिया है। तो फ्रेंड मेरी दाल रखी थी रात की, वही मैंने फ्राई कर दी थी और बच्चों को दे दी थी वही, तो पीहू तो खा ही नहीं रही थी कुछ भी। फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम है और मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा वाला। ओ मेरी बाल्टी कहाँ उड़ गई, कहाँ उड़ गई है ये, तो अभी देखिए मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना सा और मेरी पोछे की बाल्टी उड़ गई थी, तो बस मैं उसे उठा के लाई हूँ अभी। तो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी तेज़ वाली आंधी आ रही थी, मिट्टी मिट्टी इतनी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा, और अभी मतलब मिट्टी नहीं उड़ रही है पर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बारिश वगैरह आए तो फ़ायदा सा भी हो जाए थोड़ा सा। डॉगी लगी हुई खाने, देखो डॉगी को रोटी डाल दो, वो घूम रहे हैं वहाँ पर खा लेंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं डॉगी, और क्या है मेरे हस्बैंड रोटी दे देंगे इनको, क्योंकि तो ये ना इधर की साइड अब कम आते हैं, पीछे की साइड ज़्यादा रहते हैं,
तो खा लेंगे ये भी। और बच्चे लग रहे अपनी मौज मस्ती करने, पीहू की अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो बस मैंने उसको मॉर्निंग से तो नहीं नहलाया था, अभी उसको नहलाया इवनिंग में और थोड़ी सी ठीक हो गई है पहले से, तो अभी दोबारा से इसको दवाई वगैरह देनी है। तो चलिए मौसम का लेते हैं मज़ा, बस बारिश आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं नहा धो के अपना डिनर बनाने के लिए लग गई थी। तो आज डिनर में फ्रेंड मैंने आलू के पराठे बनाए थे और पीहू के लिए फ्रेंड खिचड़ी बनाऊंगी यहाँ पे। तो ज़्यादा वीडियो मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बस जितना पॉसिबल हो पाया तो बस उतनी मैंने वीडियो बना ली है। तो हल्की फुल्की सी मतलब थोड़ी बहुत बारिश हुई थी जरा मरा सी, तो हस्बैंड जी कहने लगे आज कोई सब्जी भी नहीं थी बनाने के लिए और दाल खा खा के भी परेशान हो गए थे, तो बस कहने लगे आलू के पराठे बना देना अगर बना सकते हो तो। मेरा मन तो कर नहीं रहा था पर फिर बोलने लगे तो मैंने इसलिए बना दिया। और बच्चों को तो पता ही है आलू के पराठे कितने पसंद है, पीहू को तो नहीं खाने थे पर माही ने खा लिए थे, माही को अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी अपनी, क्योंकि बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था, मैंने नहीं खाया था अभी। तो बस यहाँ पे फ्रेंड नाइट का टाइम है और बस किचन वगैरह क्लीन करके अपनी फ्री हो जाऊँगी, मतलब 8 बजे का टाइम था करीब, इतना ही टाइम था यहाँ पे, क्योंकि मैंने जल्दी बना लिए थे। फिर ना गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है और आपको पता ही है पराठे वगैरह से ना और ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ बस देखिए मेरा काउंटर टॉप गैस वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और डस्टिंग के कपड़े सॉरी किचन काउंटर कपड़े वगैरह भी वॉश कर दूंगी। उसके बाद देखिए मैंने अपने लिए आलू का पराठा और साथ में अचार ले लिया और कुछ नहीं बनाया था। मेरा डिनर वगैरह हो गया है तो यहाँ पे देखिए वाटरमेलन ले लिया है, तो बच्चों को दूंगी और मैं भी खाऊंगी साथ में। तो हस्बैंड जी अभी नहीं खाएंगे, वो अभी खाना खाएंगे, खाना नहीं खाया उन्होंने अभी, तो उनके लिए यहाँ पे देखिए बन रही है चाय, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय रख दी है। तो बस किचन वगैरह तो मेरी क्लीन हो गई है फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर करी है, तो उसके बाद ही मैंने खाना वगैरह खाया है देखिए। तो बर्तन वगैरह सारे वॉश करके रख दिए, अभी एक दो बर्तन और हो जाएंगे चाय वगैरह के, वाटरमेलन के। तो चलिए अभी हस्बैंड जी को चाय वगैरह दे देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ रख देती हूँ उसको। फ्रेंड्स टाइम हो गया है 12:30 होने वाले हैं, 5 मिनट है 12:30 होने में। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं, और सच बताऊँ तो काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, ना खाना बनाने का और वीडियो शूट करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने बस आफ्टरनून के बाद से डायरेक्ट इवनिंग में ही वीडियो शूट करी थी। खाना वगैरह भी मैंने आज कुछ नहीं बनाया ना, मैंने सिर्फ आफ्टरनून में दाल रखी थी फ्रेंड्स, तो बस वही खा ली थी हमने लंच में, और आमी की चटनी रखी थी थोड़ी सी, तो वही बस आज मैंने खा ली है। तो बच्चों ने भी वही खा ली थी और पीहू का थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, पीहू का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, तो बस उसको मैंने लिक्विड वगैरह ही आज ज़्यादा दिया था। तो बस अभी नाइट में उसने थोड़ी सी मैंने खिचड़ी वगैरह उसके लिए बना दी थी। और फ्रेंड्स मैंने वीडियो वगैरह ज़्यादा शूट नहीं करी है, बस जितना पॉसिबल हो उतनी कर पाई हूँ, बस मतलब मन ही नहीं कर रहा था, तो लास्ट मोमेंट पे बस मैंने वही सब आपको दिखाया था अपना डिनर वगैरह, कि मैंने डिनर में आलू के पराठे बनाए थे और ना ही बॉयल करते हुए वीडियो शूट करी, ना ही पिट्ठी बनाते हुए। और मैं बाहर भी गई थी फ्रेंड्स इस बीच में, मैं गई थी 6:30-7 बजे करीब मैं बाहर गई थी, तो मैंने उसकी भी वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और पीहू की वजह से फ्रेंड मुझे बाहर जाना पड़ गया, क्योंकि पीहू की थोड़ी सी ऐसी हालत हो रही थी और मतलब पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी सी हो गई थी बहुत ज़्यादा ही, तो उसको ही उसी की वजह से हम बाहर चले गए थे, थोड़ा सा उसका मूड फ्रेश वगैरह हो जाएगा इसलिए। पहले से फीवर वगैरह तो उसका कम है पर वायरल है तो शायद 2-3 दिन तक तो रहेगा ही, तो अभी ऐसा दवाई दे देती तो आराम है और फिर से चढ़ जाता है, तो 2-3 दिन तो वायरल रहता ही है। बाकी बस ये है कि थोड़ा ध्यान वगैरह रखना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी फीवर वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, और जब से पीहू स्कूल जा रही है जब से वो 3 से 4 बार बीमार हो चुकी है, तो अभी तो गर्मी का टाइम है फ्रेंड। और ना इसके स्कूल में समर कैंप वगैरह भी चल रहा है पर मैं शायद नहीं भेजूँगी समर कैंप में, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है और इस करके हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं। तो मेरी चाय भी इधर बॉयल हो गई है अच्छे से देखिए, तो अभी चाय मैंने हस्बैंड जी को देनी है। मैंने सोचा पहले अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ उसके बाद चाय वगैरह दूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आज की मेरी वीडियो और मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।